गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट। सिविल सर्विसेज फोरम में मैं आप सभी यंग सोशियोलॉजी ऑप्शनल के एस्पिरेंट्स का हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, ये चौथा एपिसोड है। इसके पहले फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एपिसोड में मैं सोशियोलॉजी के कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट की चर्चा की है। उस कॉन्टेक्स्ट में फाउंडिंग फादर ऑफ सोशियोलॉजी अगस्त कुंभ के कॉन्सेप्ट की चर्चा की, साथ ही मिकाइवन पेज, एचएम जॉनसन, मॉरिस गिन्सबर्ग और मैक्स वेबर की डेफिनेशन पर चर्चा हुई। यंग फ्रेंड्स, मैक्स वेबर के कॉन्टेक्स्ट में मैंने जो आप लोगों के बीच में सोशियोलॉजी के सोशल एक्शन के कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया, उस दौर में सोशल एक्शन के तीन डोमिनेंट जो कंपोनेंट्स हैं उनकी चर्चा की है। उसमें सबसे पहले मोर देन टू सोशल एलिमेंट्स और मोर देन टू ह्यूमन बीइंग्स, दूसरा कि सभी वे सभी एक्शन के एक या एक से अधिक मौलिक उद्देश्य होते हैं, और तीसरी चर्चा जो हमने की कि वॉट एवर एक्शन परफॉर्म्ड बाय द ह्यूमन बीइंग शुड बी मीनिंगफुल। कोई भी ऐसी क्रिया जो अर्थपूर्ण न हो वह सामाजिक क्रिया नहीं हो सकती है। अर्थात सामाजिक क्रिया के निर्माण में इन तीनों तत्वों का समावेशन अति महत्वपूर्ण है, और इनमें से किसी भी एक इकाई के या एक एलिमेंट के अभाव में मैक्स वेबरियन सोशियोलॉजी में वह सोशल एक्शन नहीं हो सकता है। दोस्तों, यंग फ्रेंड्स, ह्यूमन बींग का नेचर रहा है कि मैन टू मैन रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना, ये नेचर है हमारा, और इस नेचर के तहत मैन रिलेट्स हिमसेल्फ टू मैन, अर्थात इसीलिए हम सोशल बींग भी हैं, सोशल ह्यूमन बींग हैं। साथ ही सोशियोलॉजी में जो हैपनिंग है सोसाइटी की, जो इवेंट्स हैं सोसाइटी के, उसका हर इवेंट का, हैपनिंग का कोई ना कोई मीनिंग होता है,
ये अति महत्वपूर्ण विषय है। सोशियोलॉजी बेसिकली अपने आप को होल से जोड़ता है। सोशियोलॉजी स्टडीज द होलिस्टिक पर्सपेक्टिव ऑफ द ह्यूमन बीइंग। ये अति महत्वपूर्ण चीजें हैं। 1798 में अगस्त कुंत का फ्रांस में जन्म हुआ था। वह एक नेचुरल साइंटिस्ट थे, लेकिन ये प्योर साइंटिस्ट थे। प्योर साइंटिस्ट, साइंस चार प्रकार के होते हैं। एक है प्योर साइंस, दूसरा है नेचुरल साइंस, तीसरा जो है वह सोशल साइंस, और चौथा ह्यूमैनिटी साइंस। और एक पांचवे की चर्चा पोस्ट मॉडर्न वर्ल्ड में या मॉडर्न सोसाइटी के अंतिम चरण में हुए, उसको हम लोग अप्लाइड साइंस के रूप में देखते हैं। यंग फ्रेंड्स, प्योर साइंस में मैथमेटिक्स है। मैथमेटिक्स अपने आप को डिफाइन करता है, वो किसी दूसरे साइंस से किसी भी प्रकार से उसका रिलेशन नहीं है। नेचुरल साइंस जो है वह प्योर साइंस के साथ अपने आप को जोड़ने का प्रयास करता है, जिसमें एस्ट्रोनॉमी है, जिसमें फिजिक्स है, उसके बाद में केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, ये सारी जो हैं वो नेचुरल साइंस में है। सोशल साइंस में बेसिकली आप देखेंगे तो सोशियोलॉजी एक डोमिनेंट डिसिप्लिन है, इकोनॉमिक्स है, साइकोलॉजी है, पॉलिटिकल साइंस है। ह्यूमैनिटी साइंस में दो साइंस हैं, एक है जिसका नाम हिस्ट्री है और दूसरा जो है वह ज्योग्राफी है। एंथ्रोपोलॉजी की चर्चा हम बाद में करेंगे। एंथ्रोपोलॉजी का जो सोशल एंथ्रोपोलॉजी है वह सोशल साइंस में है, और जो उसका फिजिकल साइंस है, फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी है, उसे साइंस की कैटेगरी में रखते हैं। ये सारी चीजें जो हैं, इसके बाद में एक पांचवा जो है वह अप्लाइड साइंस है, जिसमें जितने भी मेडिकल साइंस हैं, जितने भी इंजीनियरिंग के कोर्सेज हैं या मैनेजमेंट के कोर्सेज हैं, ये सारे अप्लाइड साइंस के तहत आते हैं। इसका विभाजन जानना हमारे और आपके लिए बहुत जरूरी है। इसलिए जरूरी है कि सोशल साइंस का एक डोमिनेंट डिसिप्लिन के रूप में सोशियोलॉजी का को हम स्टडी करते हैं। सोशियोलॉजी होलिस्टिक अप्रोच में बिलीव करता है, यह उसकी पॉलिटिकल फिलॉसफी जो अगस्त कुंत ने चर्चा की है और बाद में मॉरिस गिन्सबर्ग ने भी इसका इंटरप्रिटेशन किया है और कहा है कि सोसाइटी का जो नेचर है वह कलेक्टिविटी में बिलीव करता है, वह इंटीग्रेशन में बिलीव करता है। इसलिए हमारे और आपके बीच में सोशियोलॉजी के जो डोमिनेंट जो पर्सपेक्टिव
कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट ऑफ सोशियोलॉजी के अंतर्गत जो देखे गए हैं उसमें टॉनीज ने दो बातें कही कि सोसाइटी के दो अंग हैं, एक जिमेनसेफ्ट और एक जेसलसेफ्ट। जिमेनसेफ्ट मूल रूप से आप देखेंगे तो कम्युनिटी है, और जेसलसेफ्ट जो है वह सोसाइटी के एसोसिएशनल आस्पेक्ट को डील करता है। इन सारी चीजों की चर्चा हम समय समय पर आपके साथ करते रहेंगे। इसके साथ ही सोशियोलॉजी के बारे में कहा जाता है कि क्यूमुलेटिव स्टडी ऑफ सोसाइटी है। क्यूमुलेटिव स्टडी ये इंटीग्रेशनल पार्ट ऑफ सोसाइटी का अध्ययन करता है। आप सोशियोलॉजी के टर्मिनोलॉजी को देखेंगे तो वहां जो अभी तक का समाजशास्त्र है और जो क्लासिकल समाजशास्त्र है, क्लासिकल समाजशास्त्र का उद्भव जो है इवोल्यूशनरी स्कूल से हुआ है, और आज जो समाजशास्त्र चल रहा है, आज का जो समाज का अध्ययन चल रहा है पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी में, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म में, इंडस्ट्रियल सोसाइटी में, या पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी में, या पोस्ट स्ट्रक्चरल सोसाइटी में, वह मूल रूप से आप देखेंगे तो ये जो फिनोलॉजिकल डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ सोशियोलॉजी जो हुए हैं उसके पीछे 9-10 कारक हैं, जो सिलेबस में हल्की सी हमने चर्चा की थी जब यूनिट 4 की चर्चा हम लोग कर रहे थे। इसी बीच में सोशियोलॉजी के स्कोप को लेकर के और सब्जेक्ट मैटर को लेकर के दो स्कूल का डेवलपमेंट हुआ है। एक स्कूल जो है इसी के साथ मुझे आप इजाजत दें, मैं आप लोगों से अगले एपिसोड में मिलूं। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट। थैंक यू वेरी मच। खराब हो गया, नहीं हुआ, क्यों? बैटरी चार्ज डिस्चार्ज हो गई। तीसरे नंबर का तो हो गई, तो क्या करे रे, बैटरी चार्ज ही नहीं होगा फोन।